फरार जिम ट्रेनर गिरफ्तार, कनाडा के वीज़ा दिलाने के नाम पर की थी लाखों की ठगी। जिम ट्रेनर को पुणे से किया गया गिरफ्तार। कांदिलीपुर समता नगर पुलिस ने कनाडा में वर्किंग वीज़ा दिलाने के नाम पर हाई प्रोफाइल महिला को 13 लाख रुपए का चूना लगाने के आरोप में पुणे से गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया है। इसका नाम किरण मांडवकर है। कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पीड़ित युवती कांदिली ठाकुर विलेज की रहने वाली है। पीड़ित महिला ने वजन कम करने के लिए पर्सनल जिम ट्रेनर की ज़रूरत थी। किरण से उसकी मुलाकात 2 साल पहले गोल्ड जिम में हुई थी। इस दौरान उसने किरण से कहा था कि वह कनाडा जाना चाहती है। तब किरण ने उससे 20 लाख रुपए यह कहकर ले लिए थे कि वह उसे जानता है और उसे कनाडा को वर्किंग वीज़ा दिला देगा। तो उसके बदले वह उससे 13 लाख रुपए अलग अलग बहाने कर ऐंठ चुका था। कुछ महीने बाद जब महिला अपना पैसा मांगने लगी तो जिम ट्रेनर फरार हो गया। पैसा लेने के बाद आरोपी जिम ट्रेनर किरण मुंबई से गोवा फिर पुणे बिना वीज़ा दिला ही भाग गया। ठगी का एहसास होने पर युवती ने समता नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। इस मामले के जांच अधिकारी सपोनी भगत और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नरेंद्र शिंदे की टीम ने जांच की शुरुआत की। जांच के दौरान पुलिस को किरण के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने उसे पुणे से गिरफ्तार कर लिया और यह पुणे में जिम प्रोटीन विक्रेता के वेश में छुप कर रहता था। उक्त आरोपी की जांच में पता चला है कि उसके खिलाफ कलवा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है और वह 3 महीनों से जेल में रहकर बाहर आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सेवनेस्टल, मुंबई। जिम ट्रेनर है, किस तरह का चीटिंग किया बताएं। कांदिवली ईस्ट में एक लेडीज थी, महिला, अनमैरिड। उनको जैसे कि ट्रेनिंग के लिए वेट कम करने के लिए स्पेशल वो ट्रेनर की जरूरत थी, तो उन्होंने हायर किया इनको। इनको हायर करने के बाद उन्होंने जैसा ट्रेनिंग देते देते उनका विश्वास संपादन किया। उसके बाद में उन्होंने जैसे कि चर्चा में ऐसा मालूम पड़ा कि उनको कैनेडियन वीज़ा की ज़रूरत है बाहर जाने के लिए वगैरह, जो लेडी थी उनको, तो उनसे उन्होंने वो बहाने 13 लाख रुपए लिए और जैसे कि वो प्रॉमिस किया था वो ये वीज़ा भी नहीं आया, कैनेडियन वीज़ा भी नहीं आया। बाद में देर बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि वो पैसे भी लौटा नहीं रहे और बाद में अचानक एक दिन स्विच ऑफ करके मोबाइल वो लाइक ये हो गया, डिसअपियर हो गया। तो इसके बाद उन्होंने थोड़ा और देखा, फिर यहाँ पर कंप्लेंट किया समता नगर में। उसके बाद में हमने कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद इमिजिएटली एक उसका जो टेक्निकल ये है डेटा और वो सब ये करके इन्वेस्टिगेट करके उसका लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिल रहा था। तो हमने फिर उसके सारे मोबाइल के ट्रांजेक्शन जैसे कि जीपे ट्रांजेक्शन वगैरह है, गूगल पे ट्रांजेक्शन वगैरह, वो निकालना शुरू किया। वो निकालने के बाद ऐसा मालूम पड़ा कि उसके ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स पुणे में कोरेगांव पार्क में एक टिपटॉप सुपरमार्केट है वहाँ के आ रहे हैं। दिन में चार चार पाँच पाँच जो शॉपिंग कर रहे हैं, चार पाँच बार भले छोटे ही शॉपिंग हो, 1,000, 2,000, 5,000 या 500 रुपये के। तो उसके बाद में वो लोकेशन पर हम लोग गए, टीम गई और टीम ने इमिडिएटली वहाँ पूछा कि ये साधारण ये ट्रांजेक्शन करने वाला ऐसा कौन है कि जो दिन में चार चार, तो बोले ये तो रॉकी भाई है। रॉकी भाई बोले तो कौन है, नहीं वो एक बॉडी बिल्डर है और एक बियर्ड है, बॉल्ड है, फेयर आदमी है, मसल्स है उसके। तो कहाँ रहते कुछ पता है, तो बोले नहीं, बोले रॉकी भाई सामने रहते। तो सामने कोई बंगलो स्कीम थी, वहाँ के बंगलो के अंदर वो पेइंग गेस्ट करके रहता था, दिन का 500 रुपया उसका रेंट था। और उसके बाद में उन्होंने दिखाया उसको 200 मीटर्स फ्रॉम द टिप टॉप सुपर